सेफ्टी होगा। बाप रे, करोड़ का गाड़ी है। ब्लास्टिंग के कारण हम लोगों का घर भी सेक कर जाता है जब ब्लास्टिंग होता है, तो 80 साल बाद सब खत्म ही हो जाना है। फिर अभी हम लोग वहाँ से ब्लास्टिंग का सीन अच्छा ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं बस्तकोला कोल माइंस, तो अभी आपको दिखा रहे पूरा यहाँ का सीन कैसे होता है, बेसिकली कोयला कैसे निकलता है, यही आपको दिखाएंगे आज हम लोग। ब्लास्टिंग से लेके लोडिंग अनलोडिंग सब दिखाएंगे, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में। तो अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो देख लीजिए अभी हम लोग उतर गए यहाँ पे। ये सब गाड़ी उड़ी का नाम पता है जल्द तेरे को? ये उधर वॉल्वो है, हाइवा है। क्या वॉल्वो हाइवा क्या कर रहा है जल्द अभी? अभी ये पत्थर को हटा रहा है, पत्थर साफ करके इसको हटाएगा तो और थोड़ा सा इसको गड्ढा कर सकेगा और वापस यहाँ पे बारूद भर के इसको ब्लास्ट करेगा। अच्छा, ताकि कोयला नीचे से निकल सके। ऊपर पत्थर ही रहता है, कोयला तो नीचे है ना बहुत डीप में। अच्छा, डीजल लाइट है इधर आके बोले तो आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये डीजल लाइट है आपका? अच्छा, इसे होता क्या है? ये जनरेटर है, लाइट जलता है, चार लाइट लगा हुआ है। अच्छा, इस के लिए। अच्छा, आप ही ऑपरेट करते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रीशियन लोग करता है। अच्छा, तो मतलब इससे मतलब लाइटिंग रहता है रात में? लाइटिंग बस, यही काम है ना इसका। आओ मशीन लाइटिंग ली है और मतलब मशीन देखते हैं, दिखाएं हम मशीन। हाँ ना, थोड़ा आ गया ना, देख रही लाइटिंग मशीन है। इससे क्या होता है, बेसिकली लाइट का काम होता है यहाँ पे, मतलब ताकि रात में भी माइनिंग हो सके। आप भी बोलिए, आई आ जाओ। अरे बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे शर्मा शर्मा का आज आ जा, आ गया। अच्छा अच्छा, तो यही था, घुसते ही सबसे पहले यही दिखा, ये सब बता दिए। अब आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। चल रुक तो चलो थोड़ा सा इधर। ये क्या हो रहा है जलज अभी यहाँ पे? जो वॉल्वो है उसके पत्थर को हटाया जा रहा है, पत्थर हटा करके फिर उधर उधर डंप करने के लिए लेके जाएगा। देखो डंप करने के लिए लेके जा रहा है ना। अच्छा, हाँ, उधर जो ट्रक दिख रहा है उधर ही डंप करने के लिए लेके जा रहा है। फिर वापस से आएगा डंप करके, फिर उस पर पत्थर लोड करेगा, फिर वापस से आएगा, फिर पत्थर लोड करेगा। इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेगा ये काम। अच्छा, बेसिकली यही काम। हटेगा नहीं तो कोयला निकलेगा नहीं। अच्छा, इसके नीचे ही है ना कोयला? अच्छा, कोयला नीचे है ना इसका, मतलब यहाँ पे मतलब पत्थर टूटता है, उसके बाद ब्लास्टिंग होता है, कोयला निकलता है, फिर इसको डंप करता है। मतलब यहाँ से जो निकालता है पत्थर उसको उधर जाके डंप करता है, यही ना? आप इसको जेसीबी की खुदाई भी कह सकते हैं, जेसीबी का खुदाई। आइए आपको प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। प्रकृति का स्पर्श है यहाँ, प्रकृति का स्पर्श। देखिए यहाँ पे मछली भी निकलता है। आप देखिए चारों तरफ माइंस का काम चल रहा है। और ये जो सामने तालाब देख रहे हैं, यहाँ से वो सिंघाड़ा जो हम लोग बोलते हैं पानी फल, वो इसमें होता है। उधर कुछ कुछ खेत है जिसमें सब्जी वगैरह लगाया जाता है। एक्चुअली वहाँ पे अभी आप लोग देखे होंगे, फुटेज में भी था कि वहाँ से हम लोग को बुलाया जा रहा था कि चलिए चलिए। बात ही था कि अभी ब्लास्टिंग का टाइम है भाई लोग, तो ब्लास्टिंग के कारण क्या होता है ना, पत्थर उड़ता है बहुत, तो उससे हम लोग को चोट भी लग सकता था। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, देखिए देखिए, मेरे जूता में घुस गया था ये वाला कीड़ा, उड़ गया। तो बात ही था ना कि अभी ब्लास्टिंग का टाइम था, तो लोग बोले कि अभी आप लोग निकल जाइए, क्या कि अभी शूटिंग कीजिएगा तो हो सकता है चोट लग जाए। और हम भी सोचे भाई DSLR से शूट कर रहे थे, कहीं थोड़ा सा भी पत्थर उड़ के लेंस में पड़ जाता ना भाई, अच्छा खासा मेरा नुकसान हो जाता। तो अभी फिर से हम लोग शूटिंग रिज्यूम किए हैं, तो सब कुछ दिखाएंगे। बाकी अब दिखाने का रह गया एक तो ब्लास्टिंग मशीन, तो अभी ब्लास्ट हो रहा था तो अभी वो इंगेज था, तो अभी फ्री है तो ब्लास्टिंग मशीन दिखा देते हैं और कैसा कैसा गाड़ी रहता है यहाँ पे वो सब दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए, तो गाइज ये रहा आपका ब्लास्टिंग मशीन, तो आप इसको भी देख लो। एक्चुअली ऑडियो म्यूट हो गया तो उसे मैं तो सॉरी। इस तरीके से पत्थर को उसमें लोड किया गया है, अब ये लोग ले जा कर के उधर डंप कर देगा। ये मशीन का क्या नाम है जल्द? हिताची। अभी पता तो नहीं का नाम पता नहीं मशीन का क्या नाम है, हम लोग बुलडोजर जानते हैं। मतलब देख रहे हो कहाँ पे गाड़ी घुस गया, देख ना कैसे घुसा हुआ है बाबा। वो ये गाड़ी कहीं भी चली जाती है, कैसा भी रास्ता हो, पूरा ऑफ रोडिंग गाड़ी है ये, ऑफ रोडिंग। पत्थर को क्रश करते हुए सब कुछ।
जला इसको इसको ये धूम 100 है, धूम 100। अरे जला ये जो गाड़ी है ये कम से कम 7-8 गाड़ी तो खरीदवा देगा आराम से। ये कम से कम नहीं भी तो 4.5-5 करोड़ रुपया का गाड़ी होगा। बाप रे बाप, करोड़ का गाड़ी सुंदर भी नहीं लग रहा, इसलिए वैल्यू समझो आदमी का वैल्यू क्या। और उसके नीचे का गाड़ी देखिए, उसका टायर इतना बड़ा है, इतना बड़ा टायर है कि एक ऑडी इतना बड़ा आता ऑडी का टायर से 5 गुना 10 गुना बड़ा है। रुकिए जूम करके दिखाते हैं आप, ये देखिए इसका चक्का देखिए, देख रहा है कितना लंबा चक्का है। और अभी नहीं भी तो हम 10x जूम किए हैं ज़्यादा। और देखिए ये गाड़ी रोड कैसे जा रही है, भी अच्छा व्यू ये देखिए। कभी लगा नहीं था कि इधर भी ओपन कास्ट माइंस खुल जाएगा, हम लोग बचपन से ही इधर आए हुए हैं, घूमे हैं, शाम में कभी भी मन नहीं लगता था तो इधर ही घूमने के लिए आ जाते थे, लेकिन अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब बस यही है जो है, पहले इतना अच्छा व्यू आता था, अभी से भी अच्छा व्यू आता था, पहले अभी जंगल था, सब कुछ था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और गाइस सॉरी, ब्लास्टिंग का वीडियो हिल गया भाई, इसलिए हिल गया ना भाई, जैसे ही आवाज़ आया था ना, इतना जोर का आवाज़ था ना भाई, मेरा फट गया भाई, इसीलिए ऐसा हुआ। ये देखिए आपको दरार क्रैक दिख रहा होगा, ये सब क्रैक आया ब्लास्टिंग के कारण, जब ब्लास्ट किया जाता है तो क्रैक आ जाता है। हम लोगों का घर नज़दीक में ही है, यहाँ आपको इतना दिख रहा है इफेक्ट ब्लास्टिंग का, और हम लोगों का घर भी सेक कर जाता है जब ब्लास्टिंग होता है, तो आप देखिए किस तरीके से क्रैक होता है। उधर मत जा, उधर मत जा, डेमो दे दे, लैंडस्लाइड टाइप हो गया है। देखिए डेमो देखिए देखिए, ये देखिए अगर यहाँ पे कितना क्रैक है, देखिए देखिए, ये सब भी नुकसान है माइनिंग का। क्या जैसे कि हम लोग पहले वहाँ पे थे, तो फिर अभी हम लोग वहाँ से उस तरफ से देखिए पूरा घूमते हुए आए हैं यहाँ पे, तो आपको दूसरे एंगल से दिखा देते हैं। चल, यही गाड़ी का नाम है कैटरपिलर, ये देखिए दिखाना इसका टायर, देखिए टायर, बस गाड़ी देख रही कितना ह्यूज है, वैन का लोड़ा, ये देखिए गाड़ी, अब एक कैटरपिलर जा रहा है, दूसरा कैटरपिलर वहाँ पार्क हो रहा, दिखा 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 दिखा, देखिए देखिए पार्क हो रहा है कैटरपिलर, गाड़ी का नाम कैटरपिलर है लेकिन है बहुत बड़ा केंचुआ नहीं है ये। दिस इज हाउ माइनिंग वर्क्स। क्या कैटरपिलर चला रहे हैं वो ड्राइवर जी, 12-12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, एक दिन में 12 घंटा, आप सोचिए क्या हाल होता होगा, 12 घंटा लगातार गाड़ी चलाते हैं, बस बीच में एक बार लंच करने के लिए जाते होंगे बस, और इतना बड़ा गाड़ी चलाने के लिए स्किल भी चाहिए, सोचिए इधर के लोगों का स्किल कितना बढ़िया है, बस गवर्नमेंट को ही नज़र नहीं आती है। ये देखिए बकेट कितना बड़ा है, इसमें इसमें 100 लोग नहीं 10 लोग तो आराम से सो ही सकते हैं। देखिए बकेट कितना बड़ा है, इसका नोक देखिए, बाप रे बाप, ये देखिए बकेट, ये देखिए चेन, हाँ देखिए ये बकेट अंदर जाना, अंदर जाना, और मेरा जूता देखिए, ये देखिए अंदर चला गया पूरा शूज इसका, यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा आ रहा है। ये था देखिए जूता का हाल, शूज देखिए इसका कैसा हो गया, देखिए जूता क्या क्या हाल हो गया, देखिए अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे जो जो लोग थे ऑफिशियल उनसे बात करा दिया आपका, यहाँ पे देखिए कोयला जो है ये डंप हो रहा है अभी, फिर यहाँ से लोड होके जाएगा जहाँ जाना होगा। हाँ भैया, तो आप बताइए क्या बता रहे थे, मतलब बेसिकली जगह क्या है? जगह इसको BOCP हम लोग बोलते हैं जी, बस्ता कोला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जी, और यहीं पे LV सिंह के द्वारा यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है जी,
और ये जो मशीन वगैरह सब उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, और हम लोग जैसे BCCL का स्टाफ है। अच्छा, आप लोग BCCL में बेसिकली। तो भैया मतलब इतना धूल उड़ता है तो आप लोग को दिक्कत तो होता होगा बहुत धूल से? अब परेशानी तो होता ही है, लेकिन क्या करिएगा, मानते जॉब है, जॉब को तो छोड़ नहीं सकते ना। हम एक तो मतलब गूगल पे एक आर्टिकल भी पढ़े थे कि मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग एम्प्लॉय लोग काम करते हैं उन लोगों का लाइफ 15-20 साल ऐसे ही घट जाता है धूल के वजह से। हाँ, मेन बात है डस्ट है, डस्ट एलर्जी वगैरह भी हो रहा है इसके लिए। और इसके लिए रेम्यूनरेशन? नहीं नहीं है, इसके लिए भी मंत्र इंस्ट्रक्शन है साहब लोग का है, पानी उन्हें भी मैंने यहाँ वाटर स्प्रे वगैरह भी होते रहता है जी। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ भी काम। नाम क्या हो गया? जी मेरा नाम शंकर कुमार है, लोडिंग डिपार्टमेंट से है। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, आप क्या बता रहे थे, क्या है ये आपका वो वाटर स्प्रे वाला है? अच्छा, इसे मतलब स्प्रे करते हैं पूरा? हाँ, इसमें स्प्रे करते हैं, करने से होता है कि डस्ट जो है ना जी नहीं उड़ता है। अच्छा, दब जाता है। ये बात तो सही बोलेगा, कोयला भी लेकिन ज़्यादा डस्ट ही उड़ता है। अच्छा, फिर यहाँ से कोयला कहाँ जाता है भैया? यहाँ से कोयला है मैंने 2-3 जगह जाती है, जैसे कि यहाँ से अभी बोडरागढ़ है, BNR हाल के दिनों में भी 6 नंबर लोधना भी जा रही थी, लेकिन अभी इधर बंद है, वहाँ 90,000 टन था वहाँ। हाँ, अभी हो गया सिक्के साइडिंग के लिए, अभी लेट है, अभी सिर्फ मैंने BNR जा रही है और आपको बोडरागढ़, दो जगह यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ से मतलब मैथन उथन भी जाता है क्या? हाँ, मैथन जाता है। हाँ, वो मैथन पावर लिमिटेड वाला वो जो MPL की गाड़ी आती है, लेकिन उसका भी एक मैंने कि ऑक्शन निकाला जाता है, अभी उसका ऑक्शन ख़त्म है। अच्छा, जैसे ही ऑक्शन आएगा तो उसके बाद फिर हम लोग MPL में भी कोयला जाती है DBC के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ठीक है, चलिए आपको दिखा देते फिर डंप में कैसे कोयला वोयला होता है, उसके बाद चलते हैं। गाइस देख रहे हैं आपको, जैसे ये मेरे पास पीछे में खाली कोहरा ही कोहरा नहीं, खाली कोयला ही कोयला है यहाँ पे, बस कोयला ही कोयला। सीधा जितना कोल एक्सट्रैक्ट होता है सब यहाँ पे डंप होता है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है जहाँ होता है, और जहाँ जहाँ होता है वो सब तो आपको इंटरव्यू में बता ही दिए भैया कि जहाँ जहाँ होता है। तो ये देखिए, ये है बुलडोज़र, बुलडोज़र है ना भैया? ये बुलडोज़र ही है ना, पेलोडर। अच्छा, ये पेलोडर है, इससे होता है क्या भैया? अच्छा, ये देखिए भैया, क्या नाम भैया आपका? अच्छा, देखिए मुन्ना भैया चलाते हैं पेलोडर यहाँ पे। तो ठीक है, जैसे दिखा दिया आपको जो जो था यहाँ पे, तो चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं फिर। तो गाइस सारा कुछ बता दिया तुमको, कोयला कहाँ से निकलता है, मशीन क्या क्या यूज़ होता है, किसका क्या काम है, कोयला कहाँ जाता है, मतलब जितना रिलेटेबल चीज़ था यहाँ का सब कुछ तुमको बता दिया भाई। और माँ कसम बहुत मेहनत लगा इसमें भाई, मजाक नहीं कर। तो भाई तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, कम से कम अगर तुम लोग को लाइक नहीं करना है, शेयर नहीं करना भाई, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ही देखो भाई, लाइक कमेंट मत करो, छोड़ दो यार वो सब फालतू गया मेहनत मेरा, बट हाँ सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे को भी भाई एक रीच मिले। तो ये था यहाँ का कोल माइंस का सब कुछ अपडेट, अब जा रहे घर हम लोग भाई, बहुत मेहनत लगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना ब्लॉग पे। ओके बाय।